जाने क्यों आज भी कुछ लोग बच्चों के मुफीद नहीं, आज भी इस दुनिया में बच्चों को गुलाम बनाया जाता है। किताब कलम थामने की उम्र में कुछ बच्चे आज भी दूसरों के घरों, कारखानों आदि में गुलामों की जिंदगी बिता रहे हैं। बाल मजदूरी, सफाई, खाना बनाने के अलावा अन्य बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं। गंभीर बात यह है कि इन बच्चों का शारीरिक और मानसिक तौर पर शोषण भी होता है। बच्चे काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें श्रमिक नहीं माना जाता। परिवार के बीच हैं लेकिन उनके साथ परिवार के सदस्य की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। कैसा हो अगर कोई आपके सपने छीन ले? इस बात को सुनकर भी शायद डर लगता है, पर इन बच्चों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिस उम्र में बच्चे सपने की दुनिया बुनते हैं, उस उम्र में आज दुनिया भर में करोड़ों बच्चे दूसरों के सपने पूरे करने में लगे हैं। अपने परिवार से कोसों दूर रहते इन बच्चों को लोगों की नजरों से छिपाया भी जाता है, और यदि ये काम करते करते थक जाते हैं या कोई काम गलत कर देते हैं तो इन्हें शारीरिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाता है। काम नहीं करते थे तो मारते थे सर पे, मेरे को बम्बू की डंडी से मारते, पीठ में और सर में मारा था। अब सवाल ये है कि आखिर ये बच्चे इन कारखानों और घरों में कैसे पहुंचते हैं? दरअसल कई बार शहरों से कोसों दूर बसे छोटे से गांव में रहते बच्चों को गांव के इकलौते चाचा शहर के सुनहरे सपने परोसकर शहर अपने साथ ले आते हैं। बड़ी इमारतें, बड़े बड़े घर, उन घरों में बड़े बड़े कमरे और भी कई सुनहरे सपने, पर उन बड़े बड़े घरों में उनके लिए कोई बड़ा कमरा नहीं। सपनों के नाम पर काम, मुस्कुराहट के नाम पर डांट, रोटी के नाम पर जूठन, कपड़ों के नाम पर उतरन, और वेतन का तो दूर दूर तक पता ही नहीं। इन बच्चों से बात करके पता लगा कि कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो घर से भाग आए। कुछ बच्चे ये सवाल करते नजर आए कि अगर वो स्कूल जाएंगे तो कमाएगा कौन, पर कुछ को तो झूठे सुनहरे सपने दिखाकर ले आया गया। मैंने गांव से ना मतलब भाग के निकली थी ना, निकली फिर ना रास्ते में पड़ोसी मिल, एक लड़की मिल गई ना, तो वो ना बड़े की मैंने दिल्ली लेके जा रही हूँ आपको एक साल के लिए, तो वो बड़ी की मैं बड़ी ठीक है, फिर ना वो लेके आई यार मुझे यहीं पे छोड़ दी। इतनी परेशान करती थी आंटी बाबूजी, बिल्कुल परेशान कर देती, और काम करने खाना भी, खाना पीना ये भी बेटाइम में खाना होती है, सब्जी भी कल की सब्जी आज खिलाती है, इसी करती है। दिल्ली एक एजेंट ने ऑफिस लेके आया था, फिर काम में लगा दिया। हमेशा से ही बाल श्रम जैसी कुप्रथा का सबसे बड़ा कारण आर्थिक समस्या है। बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए साल 1986 में देश का सबसे पहला कानून बना, और तब से बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए कई संस्थाओं ने कदम बढ़ाए। बचपन बचाओ आंदोलन एक ऐसा ही संगठन है। ये संस्था एक आंदोलन के रूप में शुरू हुई थी, और अभी कुछ समय पहले वर्षों बाद एक मां ने जंग लड़ी अपने बेटे के हत्यारों को इंसाफ दिलाने की। अभी 2-3 साल पहले दिल्ली में एक बच्चा था 8 या 9 साल का, बिहार से उसको और उसके भाई को लाया गया था। उसका भाई गूंगा था, बड़ा भाई 10 साल का था और ये 8-9 साल का था। हिंदी बनाने के कारखाने में दिल्ली में उनको लगाया गया। उस बच्चे का नाम मोइन था, तो मोइन हिंदी बनाता था, लेकिन अचानक उससे वो जो प्लास्टिक की शीट थी उस पर कुछ वो केमिकल गिर गया या कोई चीज़ गिर गई, तो मालिक इतना गुस्सा हुआ कि हर बार ये कोई ना कोई गलती करता है, तो उस बच्चे को उठा उठा कर दीवार पर पटक के मारा और पंखे तक टकरा गया, एक बार तो इतना उछाला। वो बच्चा वहीं मर गया, मोइन ऑन द स्पॉट। मालिक ने क्या किया कि उसकी लाश को लेकर रात को ही जब देर अंधेरा हो गया
तो कब्रिस्तान में ले जा के दफन करने लगा। तो वहाँ कब्रिस्तान वाले आदमी ने कहा, भाई इस्लाम के हिसाब से तो आधी रात को हम लोग दफन नहीं कर सकते हैं, सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बोला, नहीं हम पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस जद्दोजहद में एक रिक्शे वाले ने ये सब चीज़ देख ली जो बाहर सोता था, कई रिक्शे बाहर सोते थे कब्रिस्तान के बाहर, ये पश्चिमी दिल्ली की बात। तो उसने हमारे एक साथी को खबर कर दी। कब्रिस्तान में हमने देखा कि वहाँ पर कम से कम 15-20 लोग बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, सफ़ेद टोपियाँ और शेरवानियाँ पहने बहुत धर्मगुरु धार्मिक लोग खड़े थे वहाँ। और उसकी जो माँ थी मोइन की, उसको मेरी बहन बहुत बुरा हुआ और मुझसे चिपट के बोलने लगे, अरे आप इसको छोड़ दीजिए, इस माँ को, और हम इसका पूरा दारोमदार हमारे ऊपर है, मोइन की माँ। और मेरी पत्नी से चिपट चिपट के रोने लगी, बोली कि नहीं, हम हमारा कोई नहीं, आप ही लोग हमारे हैं। आज भारत में 43,53,000 बच्चे घरों या फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जबकि साल 2001 में 1,26,00,000 बच्चे बतौर चाइल्ड लेबर काम कर रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक बाल श्रमिकों में लगभग 25,00,000 बच्चे 5 से 9 साल की उम्र के हैं और 76,00,000 बच्चे 10 से 14 साल की उम्र के। सेंसस के मुताबिक लगभग 43,00,000 बच्चे पूरा साल काम करते हैं, लगभग 19,00,000 बच्चे साल में 3 महीने और 38,00,000 बच्चे 3 से 6 महीने काम करते हैं। The Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi for their struggle against suppression of young people and children. There is no greater violence than to deny the dreams of our children. I refuse to accept that the laws and constitutions are unable to protect our children. Today is the time for every child to have the right to life. I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. Getting a greeting like this is all the reward Kailash Satyarthi needs for freeing these children from a life of slavery. He tries to give these kids the childhood they missed. Do you think these kids see you as a Nobel Peace Prize winner? Oh, I don't think they see me as friend or brother or something like father. I have looked into their frightened and exhausted eyes. I've held their injured bodies and I have felt their broken spirits. I refuse to accept that children belonging to certain sections of society are born to work for others at the cost of their childhood and freedom and education. If the children are exploited, if the children are deprived from their childhood in any part of the world cannot live in peace. The world cannot be human. It's not often the two winners of the Nobel Peace Prize get together, but it happened yesterday when President Obama met Kailash Satyarthi. They were joined by 3 children who were rescued from child trafficking and forced marriage. You cannot live in isolation. All the problems and solutions are interconnected. And so the problem of child labor in any part of the world is your problem. Satyarthi organizes raids with local police. Sometimes employers are tipped off and waiting for him armed. But I have been attacked many times in my life. You had a gun to your head? Literally, here. Yeah. This is dangerous work, freeing these kids. Somebody has to pay the cost for freedom. It does not come on plate. So if not me, then who else will do? Go mill another prize. Who won the Nobel Prize, he asks. In reply, all of us kids. It's good.